हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम को आप किस तरीके से अप्रोच करें, कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। देखिए, मैं भी जानता हूँ आप लोग भी परेशान हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर के। अभी तक NTPC का ही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो ग्रुप डी के लिए जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है उसके अंदर हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी ये बात माननी होगी कि इन सब बातों की वजह से आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही है। तो यही सही टाइम है कि आप अपनी तैयारी को छोड़े ना। देखो, एग्जाम तो होके रहेगा, आज नहीं तो कल एग्जाम होना है, ये बात तय है, ये बात सबको पता है। तो क्यों ना इस टाइम को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें और जो हमारा बचा हुआ टाइम है उसको हम किस तरीके से यूज करें, खासकर कि वो बच्चे जो तैयारी में पहले थे ही नहीं, ये टाइम उनके लिए भी है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके इस कंपटीशन के अंदर आ सकते हैं। 1 लाख के प्लस वैकेंसीज हैं इसके अंदर, आप ये बात जानते हैं। और ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बच्चे देखो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चले, ज्यादा पढ़ना नहीं है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसी के बारे में होने वाली आज हमारी वीडियो। अभी तक हमारे लेक्चर्स पे कई सारे जीके के लेक्चर्स, जीएस के लेक्चर्स लोड हो चुके हैं, इंग्लिश की वीडियो भी मिल रही है, करंट अफेयर्स भी आपको रोज का मिलता है। अगर आपको देखना है कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, मैं कैसा पढ़ाता हूं, जीएस जीके की बथेरी वीडियोज हैं, आप जाके एक बार जरूर चेक करो। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। एक मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, अगर आपने हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे देखा है तो अभी उसके बारे में बस थोड़ा देर रुको, मैं आपको बताऊंगा। आपको इस चैनल से जुड़ के रहना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन क्लिक करोगे तभी नई नोटिफिकेशन का पता लगेगा। आज हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप डी को हम किस तरीके से अप्रोच करें कि हमारे बचे हुए टाइम में एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो देखो, ये बात तो अभी तक सब बच्चों को पता होगी कि हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का, ग्रुप डी का, कितना मार्क्स कहां से आ रहा है। ये वाली स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए भी काम आएगी जो बच्चे अभी तैयारी में कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे मान रहे हैं। हमें मेन कंपटीशन में जाना है, आगे जाना है और हमें सिलेक्शन पाना ही पाना है ग्रुप डी के अंदर। तो सारी बातें भूल करके आपका कैंपेन चल रहा है उसे चलाओ। बिल्कुल दबाव बनाना है हमने कि ग्रुप डी का एग्जाम जल्दी हो। एग्जाम होगा, भरोसा रखो, लेकिन तैयारी में आप इसको एक बहाने की तरह कई बच्चे यूज करते हैं कि यार अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, वो काम मत करो। क्वांट, ठीक है, जीएस है, जीए है, क्वांट है और रीजनिंग है। अब ये कितने कितने मार्क्स का आ रहा है अभी तक आपको पता होगा कि ये 30 है, क्वांट आएगा आपका 25, जीए आपकी 20 और ये हो गया 25, ठीक है जी। तो ये है आपका पैटर्न, ये ऊपर नीचे थोड़ा मार्क्स हो सकता है, ये 25-25 भी कई बार आ जाता है। देखो, रेलवे की क्या होता है ना कि एग्जाम जो है उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, पहले मैथ आ गई, फिर रीजनिंग आ गई, फिर जीके आ गई, ऐसे डिवाइडेड नहीं है पर्टिकुलरली सेक्शन। लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्मार्टली मूव करना है, हमने किन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि हम पहले तो कॉम्पिटिशन में आए और उसके बाद कॉम्पिटिशन को डोमिनेट भी करना है हमने, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, अनाउंसमेंट जो मैं करने वाला था वो ये है कि मैं आपको ये दो पोर्शन, जीएस और जीके, अभी हमारे पास आराम से 1-2 महीने हैं, उसकी टेंशन मत लो। उस टाइम के अंदर मैं आपको पूरा इसका रिवीजन करवाने वाला हूं, रिवीजन कह लीजिए, पूरा कोर्स कह लीजिए, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इसको मैं क्वेश्चंस की हेल्प से टाइप वाइज, मतलब कि जैसे कि अगर हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें मिला करके मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा। मैं किस तरीके से क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा या वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो वाले सवाल मैं आपके इस वीडियो सीरीज में लेके आने वाला हूं। और ये शुरू होने जा रही है 27 नवंबर से, मतलब कमिंग सैटरडे 27 नवंबर 2021। कम से कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की मेरी कोशिश रहेगी। मैं एक क्वेश्चन को किस तरीके से डिस्कस करता हूं, आप जाके मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस देख सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरा टीचिंग मेथड आप देख सकते हो, उसके बाद जज करो और उसके बाद जुड़ना है इस कोर्स से या नहीं जुड़ना है मैं आपकी कॉल पर छोड़ता हूं। मेरी गारंटी है कि मैं इस कोर्स को खत्म किस तरीके से कराऊंगा वो मेरे ऊपर है कि मैं आपको रोज एक वीडियो दूंगा, आपने रोज हमारे चैनल से जुड़ के रहना है तभी आपको पता लगेगा। फ्री पीडीएफ
दी जाएगी जो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। देखो अब आपको किन दो पे फोकस मारना है। सबसे पहले तो देखो ये तो है ही है, ये इसका सबसे ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में, ये 45 से 50 मार्क्स तक आपको दे सकता है। लेकिन इसकी जो है ना जीएस और जीए की, कितना भी पढ़ लो कुछ भी पढ़ लो, कुछ तो होता है कि सेट पैटर्न होता है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। हमें वो वाला हिस्सा पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद में उधर जाना है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको आप बाद में रखें, ये तो पढ़ना है साथ साथ। देखो ये रोज पढ़ोगे तो ही कुछ होगा, लेकिन ये जो दो है ना क्वांट और रीजनिंग, ये आपका मेन सिलेक्शन में काम करेगा। अब मैं आपको नई स्लाइड पर बताता हूं इसकी बाइफरकेशन क्या है, देख लो एक बार। देखो क्वांट जो आता है ना रेलवे ग्रुप डी के अंदर, क्वांट के सेक्शन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके जो ये 25 सवाल बनने हैं, इसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक में से देखने को मिलते हैं, अरिथमेटिक में से। तो आपको इस पे फोकस ज्यादा करना है। और जो बच्चे एडवांस से डरते हैं, उन्हें लगता है यार मेरी एडवांस मैथ्स कमजोर है या मेरे को नहीं समझ में आती है, तो वो थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर पोर्शन अरिथमेटिक में से आता है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिगो हो गई, अलजेब्रा हो गई, लेकिन उसको आप बाद में टारगेट करो। देखो ये आसान है। और क्वांट और रीजनिंग की आपको क्या स्ट्रेटजी पकड़ के चलनी है ग्रुप डी के अंदर, कि आपने इसके अंदर एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी है कि आपके क्वेश्चन इसमें गलत ना हो, क्योंकि जो लूप होल मिलता है ना वो जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के अंदर निकल ही आता है कि वहां पे आप तुक्का मार आते हो। लेकिन अभी जो एनटीपीसी में मैं बच्चों को देख रहा हूं, जिन बच्चों को लग रहा था उनके 70 प्लस स्कोर जाएगा, वो 50 से 60 पर अटक के रह गए, उसका कारण था कि इसको इन्होंने ध्यान से नहीं लिया, क्वांट को और रीजनिंग को वहां पेपर में लगाया है, पता लगा कि आंसर हो गया गलत। तो इसमें एक्यूरेसी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं, देखो इसका जो सिलेबस होता है ना क्वांट का और रीजनिंग का, ये खत्म किया जा सकता है, ये फाइनाइट सिलेबस है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होगा, जीएस जीके का तो देखो अंत नहीं है, लेकिन उसको भी मैं सिर्फ उसी तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़ना कोर्स में, वही क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे। अब आ जाते हैं इस पे, अरिथमेटिक में आपको किन किन चैप्टर्स पे फोकस करना है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आएंगे। देखो परसेंटेज, ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका हो गया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नई स्लाइड पे लिख देता हूं आपके लिए, ये लो, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। उसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे स्टैट्स आप कह देते हो, डीआई से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, सिंप्लीफिकेशन से यहां पे हर बार बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन। उसके अलावा सर्ड्स, रूट्स वगैरह वाले क्वेश्चन वो हो गई, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना पेपर में थोड़े कॉमन सेंस वाले, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी मैथ्स में से आते हैं, लेकिन आपको इन सब हिस्सों पे जरूर फोकस देके रखना है। मैं क्वांट का फैकल्टी नहीं हूं, लेकिन मैं आपके पेपर को अच्छे से एनालाइज करके आया हूं, तो तभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या है ना, देखिए मैथ्स और रीजनिंग में आपको स्कोर उठाना ही उठाना है। अगर मैथ्स और रीजनिंग मिला के 50 नंबर का आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 55 टू 50 नंबर का, आप देखो कितना बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है ये। इसके अंदर आपको कम से कम 40 से 45 का टारगेट रखना है विद 100% एक्यूरेसी, क्योंकि आप अगर इस मझधार में रहोगे कि नहीं यार अपना तो ऐसा है कि थोड़ी एक्यूरेसी में गड़बड़ हो गई है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एनटीपीसी 1 का अभी आंसर किया आया है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब जो बच्चे 50 से 60 वाली रेंज में, इस वाले पोर्शन में बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको टेंशन लगी हुई है कि हमारा होगा या नहीं होगा। 60 प्लस वालों को भी टेंशन है, लेकिन जिनके 70 प्लस है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात उनको भी पता है कि अभी हमारा इतने में हो जाना चाहिए सिलेक्शन। लेकिन आप अगर इस वाले स्पेक्ट्रम में या इसके अंदर पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो इसके अंदर आपको एक दिमाग में डाउट जरूर बना रहेगा, तो हमें ये चीज ग्रुप डी में नहीं करनी है। ग्रुप डी के अंदर हमने अपना स्कोर दिमाग में क्लियर लेके चलना है कि हमें 70 प्लस स्कोर करना ही करना है। तो आपको मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक पहले अपनी स्ट्रांग करो, अरिथमेटिक की रोज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट उठाओ, वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। और इसी तरीके से रीजनिंग को भी डायरेक्ट मॉक टेस्ट से करो। देखो इसके लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी रोज, लेकिन रीजनिंग के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉक टेस्ट जाओ, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनोगे। 90 मिनट का टाइम है आपके पास पेपर में,
और ये कम नहीं होता 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अगर प्रॉपरली देखो मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो वो आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी कि मेरा एक्यूरेसी में मेरा थोड़ा हाथ कम है, वो काम मत करना। एक्यूरेसी के साथ आपने स्कोर करना है इतना स्कोर कम से कम। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप कहीं जाकर के आप कह सकते हो नहीं अब मैं आगे एक एफर्ट मार के अपना कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन ले सकता हूं। फिर बारी आती है आपकी जीएस और जीए की। हां जी, तो ये जो पोर्शन है ना ये मेन आपका सिलेक्शन करवाएगा क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा पेपर में, पहली चीज। और इसकी जो बारी तब आएगी जब आप मैथ्स और रीजनिंग के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको देखना है कि जीएस जीए तो ऐसा है कि आपको रोज कवर करते हुए चलना है। तो इसके लिए मैं क्लासेस लेके आ रहा हूं आपके लिए सैटरडे से, फिर से अनाउंस कर रहा हूं सैटरडे से, रोज शाम को 4:30 बजे आपके इस यूट्यूब चैनल पे रेडियन लर्निंग को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तभी नोटिफिकेशन आएगा। ये क्लासेस ग्रुप डी वालों के लिए भी इनफ होंगी, और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बाकी रेलवे के एनटीपीसी हैं, ठीक है, जो DSSSB हो गए और दूसरे क्लेरिकल एग्जाम्स हो गए, उनके लिए भी ये वाली जो वीडियो सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन लोगों को भी बहुत मदद मिलने वाली है इन लेक्चर्स के थ्रू, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको पूरा पोस्टमार्टम करे जाऊंगा क्वेश्चन का। अगर मैं पॉलिटी के 20 क्वेश्चन लेके आया हूं क्लास के अंदर, तो पहली चीज तो वो कि वो 20 सबसे ज्यादा बार पूछे गए होंगे आपके एग्जाम में, और उन 20 क्वेश्चन से मैं कैसे आपको 120 क्वेश्चन करा के जाऊंगा। अगर आपने देखना है तो मेरे पुराने लेक्चर जाके आप देख सकते हो। ये वीडियोस पाने के लिए आपको आपको इस चैनल से जुड़ के रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको दबाना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तभी मजा आएगा करवाने में। बाकी मैं आपको रोज वीडियो दूंगा, आपको इस कोर्स से बन के रहना है। जीएसजीए के अंदर हमने किन चीजों पे फोकस करना है, एक तो हो गया करंट अफेयर्स। देखो ये होती है बात कि करंट अफेयर्स आपने मैथ्स कर लिया, रीजनिंग कर लिया, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इस पे थोड़ा सा जोर ज्यादा रहता है रेलवे के एग्जाम्स में। अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी में ट्रेंड कि स्टैटिक जीके से बहुत सारे सवाल बने हैं। उसके बाद में आप आ जाओ अपनी जनरल अवेयरनेस में, जिसके अंदर कि आपके पॉलिटी आ गया, है ना जी, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, उसके अलावा इकोनॉमिक्स आ गया, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके, अभी साइंस अलग है, ये हो गए आपके सब्जेक्ट्स। इससे आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं पेपर में, बेसिक कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बता दो, गीटाबाइट टेराबाइट उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब मैं कवर कराऊंगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, कंप्यूटर, इसमें भी तीन पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है आपकी, और आपकी जो कॉस्मोलॉजी है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो वहां से भी किस टाइप के टिपिकल सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में जो ग्रुप डी तक के लेवल के हैं, या फिर उससे ऊपर के भी मैं आपको लेके चलूंगा। पूरा जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं हमें उस हिस्से को टारगेट करना है, हमने ट्रेंड को समझना है पेपर के कि इतना स्कोर तो आपका बने। इसके अंदर आप टारगेट कम से कम 35 मार्क्स का लेके चलना आउट ऑफ 50। अगर ये 45 मार्क्स का आता है तो आपको टारगेट रखना है 30 से 35 का, इतना आपको टारगेट बना के चलना है पेपर में जीएस और जीए वाले पोर्शन में। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं ना 10 हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए, वो ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते होते। कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं पढ़ लिए तो हो गए, मैं उतना ही आपको बता रहा हूं जो सच है। कोई टीचर अगर आपको आके ये बोल रहा है कि नहीं है तो सारे के सारे आपके इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक आपने प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई ना करी हो। और जितना मर्जी अच्छा पढ़ लो कुछ ना कुछ एम्बिगुअस रहता है आपके पेपर में, जीएसडीए वाला पोर्शन होता ही ट्रिकी है। तो हमने खाली ये वाले हिस्से को फोकस करना है, इतने नंबर हमने सिक्योर करने हैं आफ्टर कि हम 40-45 मार्क्स वहां ऑब्टेन कर लें। देखो 45 में अगर 30 डालोगे 75 नंबर आपके वैसे बन गए, 70 प्लस पे आप कह सकते हो कि हाँ हमारा, हम थोड़ा सा एक सेफ जोन में आ जाएंगे ग्रुप डी में। फिर नॉर्मलाइजेशन भी है, 70 प्लस जाओगे 75 प्लस जाओगे तो आप कहीं सोच सकते हो कि हाँ आगे मैं फिजिकल की तैयारी रखूं या ना रखूं। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना आसान बात नहीं रही है, तो किसी भी पेपर को छोटा मत आंकना, तैयारी में बने रहो, एग्जाम होगा जरूर होगा, आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है। इस टाइम कई बच्चे डीमोटिवेट होकर पीछे हट जाएंगे, इतना टाइम भी वेट करा है ना, थोड़ा सा और सही दोबारा से चीजें रिवाइज कर लो। ये तो उन बच्चों के लिए भी कोर्स काम आएगा जो और पेपर्स के लिए भी रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है, आपको इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाना है, तभी एक मोटिवेशन रहता है एज एन एजुकेटर कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊं।
जो क्वेश्चंस लाऊंगा बाइलिंगुअल लाऊंगा, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने उस कोर्स को यूज कैसे करना है अभी बता रहा हूं, सैटरडे से आ रहा दोबारा डेट 27 नवंबर, ध्यान रखना, कॉपी और पेन लेके बैठना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सारी अपनी कॉपी में नोट करनी, और सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट बताऊंगा। अभी डिटेल में घुस के सारे टॉपिक करने का कोई फायदा नहीं है, हमने सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम में आना है, और ये वही हिस्सा आपका कवर होने वाला है जो कि ट्रेंड में है टॉपिक्स, जो टॉपिक से बार बार सवाल बनते हैं, रेलवे रिपीटेशन पर बहुत चलता है, तो हमने उस पर खेलना है। ये हो गया आपका जीए, और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो जीएस का आएगा वो आता है आपका 25 नंबर का, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, बायो के अंदर तो आपको मैं वो चीजें बता दूंगा जो एग्जाम में बैक टू बैक पूछी जाती है, वहीं से क्वेश्चन लेके आऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में से भी जो थ्योरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में हर बार रिपीट होते हैं, एसआई यूनिट्स हो गई केमिस्ट्री के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल किसने फाइंड करी थी, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब मैं आपके लिए कवर करता हुआ चलूंगा। तो ये होगा हमारा प्लान कि किस तरीके से हमने जीए और जीएस को अप्रोच करना है। आपने अब खुद क्या स्ट्रेटजी रखनी है, देखिए मैथ्स और रीजनिंग फिर बोल रहा हूं उस पर आप अपनी पकड़ बनाओ, पूरा पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस उठाओ, रीजनिंग के क्वेश्चंस उठाओ, अभी टाइमिंग की फिक्र मत करो कि मेरा इतनी देर में हो रहा है इतनी देर में हो रहा है, पहले अपनी एक्यूरेसी बनाओ, पेपर में सही करने के नंबर मिलेंगे, जल्दी करने के नंबर नहीं मिलेंगे कि जल्दी कर दो और मैं गलत कर रहा हूं, गलती नहीं करनी। एनटीपीसी जिन बच्चों ने दिया है उन्होंने, बहुत बच्चों ने रियलाइज करा है कि उन्होंने स्पेशली रीजनिंग में बहुत ज्यादा गलतियां करी हैं बच्चों ने, जो सिंपल क्वेश्चंस थे घर आके देखा जब आंसर की आई तो उन्होंने बोला अरे यार ये तो मेरे को आता था, ये काम मत करना, पेपर को कूल माइंड काम माइंड के साथ देना है, और उसकी प्रैक्टिस तब होगी जब आप घर पे बैठ के बार बार मैथ्स और रीजनिंग लगाओगे। और जीए को आपको मैं करा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना, पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की, सैटरडे से हम कवर करने हैं। आपका काम यह है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ना है, आपका मन नहीं है कि ग्रुप डी वाले आए तो कोई बात नहीं, जो बच्चे आपके और ग्रुप से और भी तो पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे ना, सबको जोड़ो, सबका फायदा होगा, सबको ये चीज आपको खुद लगे कि नहीं यार कंटेंट वाकई में अच्छा मिल रहा है यहां पे। आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर लेना कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को कवर कराता हूं, हर क्वेश्चन को मैं 360 डिग्री कवर करने की कोशिश करता हूं, अगर चार ऑप्शंस हैं उससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं आप इस तरीके से देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इस कोर्स के अंदर। तो मेन अनाउंसमेंट यही थी कि अभी भी टाइम है, लग जाओ पेपर की तैयारी में, और ये मांग तो हम रखते रहेंगे कि एग्जाम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ग्रुप डी का, फिर भी आप मान के चलो आपके पास 1-1.5 महीना तो कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा का मैं नहीं बोलता लेकिन कम से कम इतना टाइम तो है, अपने आप को पहले पक्का कर लो कि नहीं मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, उसके बाद आप ये बातें बोलो तो अच्छा लगता है कि हाँ यार। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार तैयारी करके बैठ चुके हैं और वो भी मोटिवेशन में थोड़े से लो हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है ना कि चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा मेन फोकस होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे रिवाइज भी करना चाहते हैं और जो बच्चे एक बार गो थ्रू होना चाहते हैं पूरे जीएस और जीएसए कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। स्टार्ट में करूंगा पॉलिटी से, ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ज्योग्राफी के लेके आऊंगा, स्टैटिक जीके भी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं यहां पे। करंट अफेयर्स के लिए जब आपका ये कोर्स अबाउट टू एंड होगा तभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरे साल का, पिछले पूरे एक साल का मैराथन लेक्चर करंट अफेयर्स का, ठीक है। हमारी टीचर है, सुबह आती है 7 बजे, उपासना मैम, जिन्होंने डेली करंट अफेयर फॉलो करना है वो इस चैनल पर जाके कर सकते हो। बाकी ये हमारा टारगेट है, इसको हमने पूरा करना है। क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये मत सोचना कि 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस चल रही है, नहीं, कम टाइम में ज्यादा चीजें मिलेंगी। फिर बता रहा हूं सैटरडे 27 नवंबर शाम को 4:30 बजे सबने जुड़ना है। बस एक संडे को आपकी क्लास हो सकता है ना है, संडे को ऑफ रहेगा, बाकी मंडे टू सैटरडे आपको रोज मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, मैं अपने एंड से भी कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा हाई रखने की कोशिश करना कि आपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा जोड़ के रखने, सब्सक्राइबर जितने होंगे उतना ही अच्छा लगेगा एज अ टीचर आपको पढ़ाने के लिए। तो ये चीज हमने करनी है और ग्रुप डी को इस बार हमने निकाल के रहना है, जो हमारा टाइम बच रहा है उसको हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और टाइम इधर उधर नहीं लगाना है। रोज मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, जीके का मेरे वाला जो हिस्सा जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप एक बार साइड कर लिया करो, क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज करने में आपको 1 घंटा और लगेगा, 2 घंटा इज इनफ,
कि आप जीएस जीके को दे रहे हो, उतना आपने कर लिया तो आपकी नैया थोड़ी सी पार हो जाएगी, ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाएगा। एक बार घुस जाओ बस जॉब के अंदर, थोड़ा सा टाइम और है, मोटिवेशन हाई रखो, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो। मिलते हैं सैटरडे 4:30 बजे, फिर बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं 4:30 बजे, और आप चाहते हो आपके लाइव लेक्चर्स हों तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच।